Hello students, a very warm welcome all of you in this session. I am Gurvin Kaur, senior faculty of Abhimanyu IAS. So, aaj hamara session number hai 6 for the PPSC previous year discussions. I hope ki aapko jo hamare sessions chal rahe hain for the PYQ, for the PCS examination, Punjab Civil Services examination ke liye, wo aap sabko bahut acche lag rahe honge aur even bahut helpful bhi for your preparation. So students, ye hamara 2013 का पेपर चल रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले एमसीक्यू को पढ़ते हैं, फिर रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है डिटेल्ड वे में हम उसको डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप जो है वो मेरे साथ साथ अटेम्प्ट भी कीजिए, कुछ पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, एंड देन आप आगे उसको वापस से उसको रिज्यूम करके मेरा आंसर सुनिए, एंड आफ्टर दैट आप एनालाइज कीजिए कि आपने कहाँ गलती की. अगर क्वेश्चन सही हो रहा है इट मीन्स कि आप आपको समझ में आएगा कि हाँ जी मेरी तैयारी जो है वो तो अच्छे से अलाइनमेंट है विद जो भी आप पढ़ रहे हो. ठीक है, ओके, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ था पेपर में, तो दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे लिखा. ठीक है, ओके. तो क्वेश्चन रीड कीजिए स्टूडेंट्स केयरफुली एंड देन आंसर इट. वीडियो को पॉज करना है. तो देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following languages is not mentioned eighth schedule? हमारे eighth schedule के अंदर students कुछ official मतलब languages mention है जिनका कुछ criteria है, मतलब कि उसको आप use कर सकते हो parliament की speech देने में, कहीं पे भी speech देने आप उसमें exam लिख सकते हो, है ना. हर एक language में आप exam नहीं लिख सकते. For example मान लो हरियाणवी है, हरियाणवी एक type की local बोली है, है ना, उसमें आप पेपर नहीं लिख सकते, बट आप पंजाबी लैंग्वेज में पेपर लिख सकते हो. वाई? बिकॉज पंजाबी जो है वो हमारे एट्थ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, राइट. एट्थ कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी लैंग्वेज क्यों ऐड है, राइट, क्या रीज़न है कि भाई वो उसके अंदर क्यों ऐड है, इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं. जैसे कि मैं कहूँ लैंग्वेज है उसकी एक रिटन स्क्रिप्ट होनी चाहिए, उसकी एक रिटन ग्रामर होनी चाहिए, जैसे हमारी पंजाबी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, कन्नड़ की ग्रामर है, राइट, जो हमारी मलयालम है उसकी एक ग्रामर है, तमिल की एक ग्रामर है, उस तरीके से उसकी एक ग्रामर होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होनी चाहिए. ठीक है, तो ऐसे कुछ क्राइटेरियाज हैं. कौन सी ऐसी लैंग्वेज है कि भाई इसमें के अंदर से में हमारा क्राइटेरिया नहीं है, जिसको नहीं मिला. कौन सी लैंग्वेज है स्टूडेंट? लैंग्वेज है हमारी नेपाली. कौन सी लैंग्वेज है स्टूडेंट? सॉरी, भोजपुरी. भोजपुरी द लोकल लैंग्वेज स्टूडेंट, एक लोकल लैंग्वेज है किसकी? बिहार की. ठीक है, आई थिंक सो हमने डिस्कस कर लिए. हाँ, ये काफी अच्छा. हाँ जी, बात नहीं, वो 2200. ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू, यहाँ से आप पढ़ना शुरू. क्या है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में पूछा है स्टूडेंट्स हमें. ठीक है, तो वो चीज आपको बतानी है. तो क्या कहता है नेशनल रजिस्टर के बारे में, कहता है इट इज एन आइडेंटिटी, इट इज एन आइडेंटिटी डेटाबेस टू बी मेंटेन्ड बाय रजिस्टर जर्नल एंड सेंसस ऑफ इंडिया, राइट. यस यस यस, इट इज रजिस्टर कंटेनिंग एंट्रीज ऑफ ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया. कहता है सिर्फ और सिटीजन प्रेजेंट होंगे, क्या ऐसा है? ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, इट इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ आधार कार्ड. ठीक है, फिर कहता है द बायोमेट्रिक डिटेल ऑफ इंडिविजुअल हु आर रजिस्टरिंग द कैप्चर थ्रू फिंगरप्रिंटिंग एंड एरिस स्टेटमेंट. कहता है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है स्टूडेंट, ये पूछा है उसने. कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सी नहीं है, देखो इसके अंदर. पहला तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, कहता है इट इज ए रजिस्टर कंटेनिंग एंट्रीज ऑफ ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया. नहीं,
के अंदर ओवरऑल सबको देखा जाता है, जरूरी नहीं है वो सिटीजन हो, सकता है वो माइग्रेट करके आयो इंडिया में, है ना, अभी उसको सिटीजन ना मिली हो. दैट्स वाई स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन इज अ इनकरेक्ट. कहते हैं इट इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर आधार कार्ड. नहीं नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं है आधार कार्ड का, ठीक है. तो टू एंड थ्री जो है वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, नॉट करेक्ट हो जाता है, ठीक है. ओके, लेट्स मूव फर्दर. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप यहाँ पे. हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर समझिए. कहता था फिल्म लंच बॉक्स वाज बॉक्स, एक फिल्म आई थी लंच बॉक्स एज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिटिक्स वीक ऑफ 2000 एट 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल वेयर इट वॉन क्रिटिक्स वीक, ठीक है, व्यूज चॉइस अवार्ड आल्सो नोन एज ग्रैंड रेल द कोर और हु इज द राइटर ऑफ दिस. कहता है इस मूवी का राइटर कौन था ये पूछा है आपसे. चार ऑप्शन आपके सामने है, यू नो दैट ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल पता होगा डेफिनेटली. तो कौन थे इसके डायरेक्टर बताइए फटाफट से आंसर कीजिए. अनुराग कश्यप. कौन थे इसके डायरेक्टर? अनुराग कश्यप. ये बहुत ही प्यारी मूवी है ये हमारी, ये लंच बॉक्स एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज देती है दुनिया में. ये तो लंच बॉक्स ये बहुत सिंपल मूवी है बट इट इज अ वेरी अट्रैक्टिव मूवी, राइट. लेट्स मूव फर्दर. हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स. रीड कीजिए क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, आंसर करो, फिर आप आओ क्वेश्चन. कहता है इन एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी हैज बीन डिसाइडेड टू सेट अप वल्चर सेफ जोन. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वल्चर के बारे में पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स वल्चर हिंदी में जिसको हम गिद्ध कहते हैं, इसका क्या रोल है स्टूडेंट वो समझिए. वल्चर जो है वो क्लिंजर भी बोला जाता, नेचुरल क्लिंजर बोला जाता है एनवायरनमेंट नेचुरल. व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज वो बहुत सारे डेड बॉडीज को क्या करते खा जाते हैं, खाते हैं जब डेड बॉडीज को तो क्या करते हैं वो नेचुरल बहुत सारा क्या करते हैं सफाई करते हैं, वो सफाई कर्मचारी भी कहते हैं डेड बॉडीज को क्या करते हैं क्लियर करते हैं. की वजह से बहुत सारे पैथोजेंस वायरस जो है वो ग्रो नहीं कर पाते डेड बॉडीज के ऊपर, राइट. तो अभी हो क्या रहा है, मेन प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, वल्चर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा यू नो उनकी पॉपुलेशन जो है वो ग्रेजुअली कम होने के पीछे रीजन ये नहीं है कि भाई वो उनको का शिकार किया जा रहा है या उनको मारा जा रहा है किसी पर, नहीं ऐसा कुछ भी. एक्चुअली तो हमारी एक मेडिसिन होती है राइट, पेन किलर, सॉरी हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो हमारी एक वैक्सीन मेडिसिन दैट वी कॉल डाइक्लोफेनिक जो हमारी मेडिसिन है, जब हम एनिमल को वो मेडिसिन देते हैं और उसके बाद जब उस एनिमल की डेथ हो जाती है और जब वल्चर्स उस एनिमल को खाते हैं जिसने डाइक्लोफेनिक तो मेडिसिन है जो बहुत ही पॉपुलर है फॉर द यू नो एंटी इन्फ्लेमेटरी की वजह से, क्या पेन किलर है वो, ठीक है, तो एक वाइड रेंज पे यूज किया जाता है. तो इन्फेक्टेड जितने भी पर्सन है सॉरी एनिमल्स हैं उनको क्लीन कौन कर रहा है, वल्चर ही कर रहे हैं, ठीक. जब वल्चर उसको कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट, डाइक्लोफेनिक की वजह से जो वल्चर है उसकी किडनी खराब हो जाती है. जब किडनी खराब हो जाती है स्टूडेंट तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है धीरे धीरे, तो उसका यू नो उसकी जो मतलब यू नो फटीक होना शुरू हो जाता है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा, एंड अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू किडनी फेलियर ऑफ वल्चर. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स लैक्स ऑफ लैक्स वल्चर जो हैं उसकी डेथ होनी शुरू होगी ग्रेजुअली, इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यू नो यहाँ पे अलर्ट है फॉर द वल्चर पॉपुलेशन बिकॉज दे आर नेचुरल किलर स्टूडेंट क्लिंजर स्टूडेंट. अगर इस तरीके से अगर एक स्पीशी खत्म हो जाती है तो पूरे इकोसिस्टम को क्या करेगी, इम्पैक्ट करेगी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. कि जो वल्चर हैं अगर वो नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली क्लीनिंग नहीं होगी,
डेड बॉडीज को कोई खाएगा नहीं, तो वहां पे वायरस पैथोजन ग्रो करेंगे जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं हमारी इकोसिस्टम, राइट, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, राइट। सो दैट्स व्हाई इनका सेव करना, इनको प्रोटेक्ट करना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया इस टाइम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसी चीज को है, कहता टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकली एंडेंजर। सबसे पहले तो आपको ये फैक्ट याद रखना, वल्चर्स आर क्रिटिकली एंडेंजर। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलेशन बहुत कम होगी। तो वल्चर सेफ जोन कहाँ पे बनाया गया है स्टूडेंट? ये बनाया गया है बुंदेलखंड मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जो है वो वल्चर सेविंग के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 अटेम्प्ट कीजिए, 51, हाँ जी अटेम्प्ट कीजिए 51 नंबर क्वेश्चन। कहता है क्रॉप लॉगिंग इज व्हाट, करिए अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। तो देखो क्रॉप लॉगिंग इज व्हाट, कहता है ए मेथड टू असेस क्रॉप डैमेज, ए मेथड टू आइडेंटिफाई पैरासिटिक वीड्स एसोसिएटेड विद क्रॉप, नहीं, ए मेथड ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस ऑफ क्रॉप्स एंड क्रॉप एनालाइजिंग फॉर मैक्सिमम यील्ड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रॉप लॉगिंग का मतलब होता है स्टूडेंट की डेटा को सेव करना, मतलब यू नो क्रॉप से रिलेटेड जितनी भी उसकी प्रोडक्टिविटी है उससे रिलेटेड एक डेटा सिक्योर करना, रिकॉर्ड मेंटेन, तो दिस इज वी कॉल्ड क्रॉप लॉगिंग। तो सेक 52 नंबर क्वेश्चन, ये अटेम्प्ट फटाफट से। कहता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, डिफरेंस पूछा है यहाँ पे एस्टेरॉइड और कॉमेट की डिफरेंस बताइए यहाँ। अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉयड एंड कॉमेट, समझिए। एस्टेरॉयड जो है या रॉकी या रॉकी एक्सोप्लैनेट्स, दे आर रॉकी एक्सोप्लैनेट्स, इट मींस इस टाइम पे प्लैनेट्स बने, टाइम पे छोटे छोटे रॉकी लाइक स्ट्रक्चर और बने बट उनका साइज काफी छोटा है ये प्लैनेट से, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ एक्सोप्लैनेट। तो दे आर द रॉकी स्ट्रक्चर्स, और क्या कर रहे हैं हमारा प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, बिल्कुल ऐसे ही एस्टेरॉइड्स भी रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। एस्टेरॉइड के कुछ बेल्ट्स हैं स्टूडेंट, मेनली जो बेल्ट है दैट इज बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, सवर सन दस मार्स अर्थ एंड दिस इज द मार्स सवर जुपिटर। ये जो हमारा मार्स है और ये हमारा जुपिटर है, एस्टेरॉयड की एक बेल्ट है स्टूडेंट, वहाँ पे लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स एस्टेरॉयड हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अराउंड, सन के। This belt we called it as the asteroid, ही belt जो है वही क्या करती है हमारे हमारे inner planets को और outer planets को differentiate, ठीक है, okay। फिर हम बात करते हैं comets, comets क्या चीज है, comets are the आइस रॉक, आइस से बनी हुई रॉक्स, तो मेनली उनमें क्या प्रेजेंट है, आइस प्रेजेंट। अच्छा यहाँ पे देखिए, अभी ऑप्शन पढ़ोगे समझ में आ जाए।
कहता है एस्टेरॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स व्हाइल कॉमेट्स कंटेन लॉट्स ऑफ आइस अलोंग विद रॉक्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले स्टेट डेफिनेटली आया, आपको समझ आ गया। दूसरे कहते हैं एस्टेरॉइड्स आर फाउंड मोस्टली इन कूपर बेल्ट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून एंड क्लाउड इन आउटर सोलर सिस्टम व्हाइल कॉमेट्स आर फाउंड इन द बेल्ट ऑफ मार्स एंड। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओ ना तो भी क्लियर हो जाता है, अगर आपको ना भी पता होता कि मार्स जुपिटर जो है वो कॉमेट है या नहीं, वो आइस की रॉक्स हैं। यस, तो हमारे सन की लाइट है वो यहाँ पे हमारा वीनस मरकरी अर्थ सबर अर्थ दिस इज मार्स, तो ऑब्वियसली यहाँ तक जो है वो सन की लाइट अच्छी खासी पहुँच रही। आइस जो रॉक्स होंगे कॉमेट है वो तो पिघल ही जाएगा, तो हम उसको कॉमेट थोड़ी ना बोलेंगे, कॉमेट की तो डेफिनेशन आइस रॉक्स है ना, तो आइस तो मेल्ट हो जाएगी इतने सनलाइट के अंदर, तो वो यहाँ तो प्रेजेंट नहीं, मतलब आगे तो प्रेजेंट नहीं हो सकती। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई वो वीनस में है वो यहाँ है तो वो वहाँ तो नहीं हो सकती है ना, तो ठीक। तो कूपर बेल्ट बियॉन्ड तक नहीं, हमारे जो एस्टेरॉयड है वो प्रेजेंट है किसके अंदर, मार्स और जुपिटर के अंदर, और जो हमारी बियॉन्ड जो हमारा नेपच्यून और उरट क्लाउड है उसमें प्रेजेंट है कौन सा, हमारा कॉमेट। तो नेपच्यून के बियॉन्ड जो है जो हमारा नेपच्यून है वहां पे हमारी कॉमेट्स प्रेजेंट है, उल्टा लिखा हुआ है। मार्स और जुपिटर में क्या प्रेजेंट है, एस्टेरॉयड, कॉमेट नहीं एस्टेरॉयड प्रेजेंट। ये हुआ आपको स्टेटमेंट नंबर टू इनकरेक्ट हो। The surface of asteroid is solid and whereas the surface of comet is very unstable and changing. यहाँ पे स्टेटमेंट पूछी आपसे कौन सी करेक्ट है और कौन सी नहीं करेक्ट है। हाँ जी बताइए ऑप्शन क्या करेक्ट होगा इसका, अब तो आप बता ही सकते हो या नहीं बता सकते। तो देखिए ऑप्शन करेक्ट क्या बनेगा, वन एंड एस्टेरॉयड के सरफेस सॉलिड एंड स्टेबल है और सरफेस ऑफ कॉमेट क्या होती है काफी अनस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 50 अटेम्प्ट की। क्या कहता है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर वेरीज विद व्हाट। साइंस के क्वेश्चन बहुत इजी, बेसिक साइंस से आए हुए क्वेश्चन है, 9th 10th, तो आपको करना है स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट की। क्या है द रेजिस्टिविटी, क्या चीज होती है, दो कमेंट स्टूडेंट की रेजिस्टिविटी क्या चीज है, रेजिस्टिविटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर, लॉन्ग क्रॉस सेक्शन, मास के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, आप कैसा मटेरियल ले रहे हो उसके ऊपर आपकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ऑब्वियसली कॉपर की वायर लोगे और एक सिल्वर की वायर लोगे दोनों रेजिस्टिविटी अलग है, एक गोल्ड की वायर लोगे सिल्वर की वायर लोगे उनकी दोनों की डिपेंड करती है ये किसके ऊपर, मटेरियल क्यों, आप मटेरियल कैसा यूज, आयरन लोगे तो आयरन की रेजिस्टेंस। दो कमेंट स्टूडेंट, व्हाट इज रेजिस्टेंस, 54 पे आते हैं। कहता है पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग ऑन जार कंटेनिंग वाटर, व्हेन द आइस मेल्ट देन लेवल ऑफ वाटर क्या होगा भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन आप कैसे आंसर कर दो, तो क्या होगा, हां जी क्यों, आइस का जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी उसने ना वो यहाँ पे क्या कर चुकी है, गेन कर चुकी है, जब वो मेल्ट करेगी तो वो इतने सरफेस को क्या करेगी, ऑलरेडी वो उसने इतना सरफेस जो है गेन कर चुकी आइस की। तो कहता था साउंड ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड डिफरेंट मीडियम ऑर्डर डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑर्डर, नो दैट स्टूडेंट साउंड जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है कहाँ पे, सॉलिड के कम
लिक्विड, उससे कम एयर के, सबसे ज्यादा साउंड हमें कहाँ सुनाई देता है, सॉलिड के अंदर। आप देखो हमेशा घंटी बेल जो है उस मेटल से बना, साउंड जो है उसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन करेक्ट आयरन वाटर एंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम यहाँ पे लेक्चर करते हैं, बट बिफोर दैट सी मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, उस बाद ही आप लेक्चर। आप जाइए क्रोम, क्रोम पे गए, आप जाओ अभी भी आप ही कीजिए। अब स्टूडेंट अगर आपको किसी एग्जाम के लिए फॉर एग्जाम्पल आपको एच सी एस के लिए प्रिपेयर करना है, पी सी एस के लिए, तो पी सी एस जाओ चलेगी, स्क्रॉल करके आइए और माइक्रोवर्स पे कीजिए। जब आपने माइक्रोवर्स की साइट खोली वहाँ पे स्टूडेंट रजिस्टर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए आपका नंबर। देन क्या है, मान लो आपको एवरीडे साइंस पढ़ते, आप एवरीडे साइंस पे क्या, आप देखिए आप ओनली एंड ओनली 1636 के अंदर आप पूरी एवरीडे साइंस जो है वो आप कवर कर सकते हो, देने को आप पूरा कोर्स भी ले सकते हो, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो एवरीडे साइंस सिर्फ एक आप यहाँ क्या कर सकते हो कवर कर सकते हो। अप टू अगर आपको इंडिविजुअल कोर्स लेने हैं, मान लो आपने सारे तैयार कर लिए, सिर्फ आपका एवरीडे साइंस रहता है तो आप वो ले लीजिए, इवन आप सब्जेक्ट्स भी, मान लो आपको सिर्फ बायोलॉजी कर, केमिस्ट्री फिजिक्स आती है तो आप बायोलॉजी का 2-7 के अंदर आपको 9 करंट अफेयर मिलेंगे, 8 पंच मिलेंगे यहाँ पे, 10 वेब नोट्स मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे यहाँ पे, ऐसी सेम हर चीज का है, ऐसी चीज हर चीज का यहाँ पे प्रेजेंट है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप क्या कर सकते हो रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी बैच ज्वाइन भी कर सकते हो और इंडिविजुअल कोर्सेज को भी, माइक्रोवर्स कोर्सेज को परचेज, राइट स्टूडेंट के साथ मैं लेक्चर करती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस।